नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कल हमने यहां से छोड़ा था, क्वेश्चन सिक्स में आपको ऐसा है कि एक ट्राइंगल दिया है एबीसी इन विच दे मेंशन द रेशियो एडी अपॉन एबी इक्वल टू ए अपॉन एसी इक्वल टू 1/4 और ए बी और सी के अगर आप लोग देखेंगे तो ए बी सी के वर्टेक्सिस दिए हैं ए 4.6 बी 1.5 सी 7.2 अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट सम पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ एडीई एंड कंपेयर विद द एरिया ऑफ एबीसी और फिर एक रिजल्ट निकालना है कि क्या रिजल्ट निकल सकता है। तो चलो कम ऑन लुक एट दिस। पहले तो हमारे पास ये एडी का रेशियो है बट डीबी का नहीं है। देखो सर क्या हुआ, रिकॉर्डिंग कौन से एडी वन डीबी हमारे पास नहीं है। एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4 है बराबर। तो अगर आप लोग देखेंगे यहां पे कि हमारे पास ये भी वन है और ये पूरा का पूरा फोर है, ये वन है और ये पूरा का पूरा फोर है। जैसे कि एक हमने सम देखा था बीच में, ये आपका ए बी, ए बी में डी मतलब कि ये वन और ये पूरा फोर। तो वेरी सिंपल आपको पता चल जाएगा कि डीबी कितना है यहां से राइट। तो ऐसा हो तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो एडी अपॉन एडी प्लस डीबी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस ए सी इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे राइट, यहां से हम लोग राइट ये जो एडी प्लस डीबी है तो ये एडी कितना है 1 बराबर, टोटल 1 है और ये पूरा डीबी हमको पता नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा ना एडी, तो एडी 1/4 है यहां 1, तो 1 प्लस कितना करोगे तो आपका 4 आएगा 3। सेम एज यहां पर भी कितना होगा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1/4 मतलब कि आपका डीबी भी कितना आएगा 3 और ईसी भी कितना आएगा 3। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग राइट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ए आपका कितना है 1, डी बी आपका कितना है, तो ए का कोऑर्डिनेट है 4.6, बी का कोऑर्डिनेट है 1.5। चलो सेक्शन फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो, याद है ना सेक्शन फॉर्मूला इच वन। तो यहां आपका एम वन और ये आपका एम टू, डी का एक्स कॉमा वाई जरा ध्यान से देखना, तो एक्स इक्वल टू राइट एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम वन क्या है 1, बी का क्या है 1, एम टू कितना है 3 और ये 4, नीचे 1 प्लस 3, 4 थ्री 12 प्लस 1 13/4 आया, तो के पहला 13/4 आया x। y ढूंढते हैं, y कितना होगा आपका, तो के y अगर आप लोगों ने देखा तो राइट कितना होगा 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 3, तो के 5 प्लस 18 अपॉन 4 मतलब के 23/4 बराबर x 13/4 और वो कितना आया आपका 23/4। और अब हम लोग देखते हैं दूसरा ट्राइंगल मतलब के दूसरा AE अपॉन AC, यहां देखना थोड़ा थोड़ा AE अपॉन AC, AE है 1 ये 3। अगर ये फाइंड करेंगे x तो यहां पे अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं। M1 A कितना है, तो के 4-6 फिक्स है पर आपका C कितना है 7-2, तो ध्यान रहे x इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3। ये पूरा अलग सा है, ये एक्सप्लेन करने में काफी जगह ले ली मैंने, तो 7 प्लस 12 अपॉन 4 19/4 आया इसका। और अब y ढूंढेंगे, y क्या है, तो कि 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 18/4 राइट ये ढंग का आया 5।
ये 19 बाई 4, ये 5, वो 13 बाई 4 और 23, राइट, ऐसा कुछ आया। सॉरी, अब उन लोगों ने हमको एरिया फाइंड करने के लिए बोला है, तो पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये छोटा सा ट्राइंगल है ना, ADE, तो के ADE इसका एरिया ढूंढेंगे, तो फॉर्मूला है हाफ। यहां पे मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। एक बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा, दूसरी बार एज आई एम हैविंग लैक ऑफ स्पेस आई विल नॉट राइट टुडे ड्यू टू नेटवर्क इश्यू, लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड, बट विल रिकवर इट इन द एंड। दोज़ हू वांटेड टू रन अवे दे मे। भाई वैसे भी आप लोग रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो, पूरे क्लास में से 15 जनों ने रिकॉर्डिंग दिखा है, उसमें भी बाहर वाले बहुत है, राइट, मतलब कि आपको कुछ ज्यादा पड़ी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका ये 4, x1 कितना है, ए डी एंड ए डी का कोऑर्डिनेट आ गया अपना। देखो ए का कोऑर्डिनेट 4, 6, डी कहाँ गया अपना, डी का कोऑर्डिनेट आया 13/4 23/4 और ई का कोऑर्डिनेट कितना आया आपका ई का, राइट, तो हम लोग लाए 19/4, ऐसा लिख के रखो, कॉमा 20/4 मतलब के 5। तो काफी लंबा कैलकुलेशन आएगा। x1 कौन है 4, y2 23/4 माइनस y3 कितना है तो के 5, गुड। x2 कितना है, x2 देखो अभी, x2 भी 13/4, y3 कितना है तो के 5 माइनस 6। पहला ही सम ओपनिंग एन अकाउंट आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, स्पेशली ये बैच वाले को, राइट। x3 कितना है तो के 19/4 ब्रैकेट में यहां पे 6 माइनस 23/4। अब जिनको एलसीएम की आदत नहीं है वो खास देखो, हाफ 4, एलसीएम 4 5 20, बॉल पे देखते रहना, 4 5 20, 23 माइनस 20, 23 माइनस 20 मतलब के 3/4। यहां देखो 13/4 है, माइनस 1 है, माइनस 1। यहां देखो 19/4 है, 6 4 24, 24 माइनस 1, राइट, 24 माइनस 23, 1/4। और अब एलसीएम की ओर चले, हाफ, ये 4 4 कट, राइट, या तो 4 4 कट नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, 4 3 12/4 माइनस 13/4 और यहां 19/16। मैं दूसरा एबीसी का एरिया कहां करूंगा वो एक सवाल उठता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब 1/2, यहां पे देखो सब में एलसीएम 16 है तो 16 डाल देता हूं, बराबर, 12 को चाहिए 4, 12 4 48, थोड़ा लंबा खींचो, 13 4 52 और ये 19, बराबर, आगे हाफ है ही, हाफ। अब देखो 48 प्लस 19, अगर 48 प्लस 19 करोगे तो 67, 67 में से 52 जाएगा तो 15/16 मतलब के आपका एरिया कैसा ऑकवर्ड आया, 15/32, कितना आया 15/32। अब मैं आपको दूसरा जो एरिया है एबीसी का एरिया ढूंढ के बताऊं, एबीसी का एरिया, राइट, अगर नीचे तक आ जाता है तो ठीक है, आप सबको दिखाई देता है ना बहुत क्लियरली, तो एक वन पीस में आपको सब मिलेगा। तो आप देखो एबीसी का एरिया, मैं यहां फॉर्मूला भी नहीं लेता हूं, हाफ 4 5 माइनस 2, ये तो इजीली हो जाएगा, प्लस 1 2 माइनस 6, प्लस 7 6 माइनस 5, तो हाफ 5 माइनस 2 3 4 12 माइनस 4 और 6 माइनस 5 1 1 प्लस 7, आप लोग देखेंगे 12 माइनस 4 8 8 प्लस 7 15/2,
बड़े का एरिया आया 15/2, छोटे का एरिया आया 15/32। तो व्हाट इज द रिलेशन, राइट? खास ये आप जब ट्राइंगल सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया ऑफ एडी ऑलवेज 116 टाइम एरिया ऑफ एबीसी। तो देखो यहां पे देखना, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू एडीसी का 15/32 है और इसका 15/ कितना है 2। तो आपका ये 15 कट 1/32 / 1/2, ये 2 ऊपर और ये 32 नीचे, 2/32, आंसर 1/16। सच ए लॉन्ग एंड टेरिफिक सम। अब मैंने स्टार्ट कर दिया था तो वापस से थोड़ा ब्रिस्कली मैं आपको समझा दूं, राइट? पहले उन लोगों ने दिया ट्राइंगल ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट है 4.6, 1.5 एंड 7.2, बाकी के कोऑर्डिनेट दिए नहीं, पर इन लोगों ने पूरा पूरा रेशियो दिया 1/4, 1/4। तो हमने क्या किया, भाई प्लस माइनस करके ये एरिया लेके आए 3। फिर मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं वो बताया। तो डी के कोऑर्डिनेट लेके आए वो थोड़े ऑकवर्ड थे, 13/4 और यहाँ पे 23/4, राइट? फिर अगर आप लोग देखेंगे तो एईसी में यहाँ पे मैंने राइट एक्स और वाई विदाउट पुटिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला आई पुट वन सुनी, राइट? यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट लाने की कोशिश की, एक्स आया 19/4 आपका, मतलब ई के कोऑर्डिनेट, और वाई आया 5। देन व्हाट आई डिड, आई फाइंड द एरिया ऑफ एडीई, एडीई का एरिया आ गया आपका कितना है 15/32। और जब मैंने एबीसी का विदाउट पुटिंग फॉर्मूला लाइक इवन आई ट्राई इट गॉट 15/2, कहीं पे भी हम लोग टेंगल नहीं हुए, मतलब गुचवाए नहीं। तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी का रेशियो लिया, कई लोगों को ये 15/32 / 15/2 समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, जो लोग को समझ में नहीं आए हो, तो ए अपॉन बी अगर डिवीजन है राइट, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्स देना पड़ेगा, मतलब कि ये आपका ध्यान से समझ लो 15/32 मल्टीप्लाई बाई 2/15। अब समझ में आ गया हो तो ठीक, 2 ones and 16, तो आपका आंसर 1/16 होगा। इसका वीडियो बार बार देखना, समझना है। तो यहाँ पे आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ, राइट? अब आज प्रॉब्लम क्या होगा, दिस मीटिंग विल बी कंटिन्यूइंग, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि वो 15 मिनट से राइट वो वेट कर रहे थे, बट सबको एक साथ ही पढ़ाना है। अब दूसरा क्वेश्चन 6 के बाद 7, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तीनों के तीनों यूज वन है, बराबर आज के। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 का क्वेश्चन क्या है, लेट ए 4.2 ट्राइंगल एबीसी दिया है, ए है 4.2, बी है 6.5 और सी है 1.4। जरा ध्यान से देखना, ये सब ट्राइंगल के कुछ रूल्स है जो आपको बहुत अच्छी तरह से यहां पे एक्सप्लेन किया है, राइट? तो लुक एट दिस, ए 4.2, 6.5, 1.4 वर्टाइस ऑफ ट्राइंगल, मीडियन फ्रॉम ए, मीडियन आपको कल समझाया था, मीडियन फ्रॉम ए मिट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, वो तो इजी है, चलो फाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन एडी, यहां पे पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सच दैट एपी इज टू पीडी इज 2:1, चलो वो भी कर लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू पॉइंट क्यू एंड आर, तो ये ई मतलब के यहां पे क्यू भी है और ये आर, यहां आर भी है, ध्यान से देखना, मैंने पहले से इक्वल टू लिख दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियन बीई एंड मीडियन सीएफ रिस्पेक्टिवली सच दैट बीक्यू, यहां पे बीक्यू ये भी 2:1 और ये भी आपका 2:1 का रेशियो है, पूरा समझाऊंगा चिंता मत करो। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व,
राइट, वो हमको प्रूव करना है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वापिस से मैं आपको मीडियन की डेफिनेशन बता दूं। मीडियन की डेफिनेशन चाणक्य एंड शिव गोहिल, शिव गोहिल मीडियन की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड अदर एंड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। आपको लर्न करना है तो देखो अ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड अदर एंड पॉइंट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। चलो तो पहला क्वेश्चन यह है कि डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो 6 + 1/2 एंड 5 + 4/2 दैट मीन्स इसका 7/2 और 9/2 कोऑर्डिनेट आ गया डी का। अब ऐसे ये लोग बोलते हैं कि एपी इज टू पीडी का रेशियो बताया है, एपी इज टू पीडी ए कितना है तो के 4.2, थोड़ी थोड़ी जगह में मैं करूंगा। डी कितना है 7/2, 9/2 और आपका पी का कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं और रेशियो कितने का है तो के 2:1। यहां पे सेक्शनल फॉर्मूला की आपकी आज रिवीजन हो जाएगी, राइट। अब आप देखेंगे तो x इक्वल टू में एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, ऐसा तीन बार करना है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2। तो आपका m1 कौन, ये रहा 2। व्हाट इज h2 तो के 7/2। व्हाट इज 1 तो के 1। व्हाट इज 4 तो के 4 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब के 2 + 1। ये 2 और ये 2 कट, 7 + 4 यहां पे आ गया 11 और 2 + 1 तो मतलब के x का कोऑर्डिनेट आया 11/3। ये सब को बराबर ध्यान से देखना, दूसरा बहुत सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अब नेक्स्ट वन राइट, आप लोग देखेंगे इसके बाद तो y के लिए देखते हैं। y की मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा, 2 × 9/2 + 1 × 2 नीचे लिखेंगे m1 + m2 मतलब 2 + 1। ये 2 और ये 2 भी खत्म, 9 + 2 कितना हो गया 11, 2 + 1 = 3। और कोइंसिडेंटली दोनों सेम सेम आए, 11/3 11/3। ये तो हुआ एडी का। अब बीई भी मीडियन है और बीई मीडियन है तो राइट यहां पे मैं लिख देता हूं बीई ऑल्सो मीडियन। बी के कोऑर्डिनेट है 6.5, यहां क्यू आएंगे ये 2 और ये 1, ध्यान से देखते रहना बच्चों। ई के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे तो के मिड पॉइंट ऑफ एसी है देखो तो 4 + 1 ये 5/2 आया एंड 4 + 2 = 6 है 6/2 = 3। आई रिपीट, 4 + 1 = 5/2 एंड 2 + 4/2 मिड पॉइंट की फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इज दैट क्लियर? तो आप इसको इस तरह से ले, तो मैंने 4 + 1 = 5/2 2 + 4 = 6/2 5/2 मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आया e का 5/2, 3। अब लिखो हम लोग यहां पे x का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं x, y। इस बार भी मैं फॉर्मूला एक ही लिखूंगा, m2 x1 / m1 + m2 सेम एज 2 × 5/2 + 1 × 6 / 2 + 1। तो 6 + 5 यहां पे भी आया 11/3। y का चेक करते हैं
ओके, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन एम वन प्लस एम टू, वो भी आया 3 टू 6 प्लस 5 11 बाई 3। चलो ओके फाइन, यहां से राइट हम लोग और एक फाइंड कर लेते हैं, कौन सा, ये वाला सी एफ। तो यहां बच्चों देखना, सी एफ के लिए देखना, ये सी, ये एफ और इसका कौन है आर, रेशियो कितने का है 2:1। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 1.4। एफ का कैसे फाइंड करेंगे, तो कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो 4 प्लस 6 10 बाई 2 5, 5 प्लस 2 7 बाई 2। इतने बड़े बड़े और डिफिकल्ट सम देख के जो आज गलती से बैठे थे वो 2 टू 5 के बैच में से कुछ कुछ लोग हट गए। टू इज टू वन इसका ढूंढेंगे x कॉमा वाई, तो पहले x का ढूंढते हैं। यहां पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है 2 इंटू 5 राइट प्लस 1 इंटू 1 अपॉन नीचे क्या लेंगे 2 इंटू 5, एक मिनट, ये 4 प्लस 6 10 बाई 2, 5 प्लस 2 7 बाई 2, 1 और 5 1 4 है राइट, और यहां पे 2:1 है C और ये। चलो तो 5 टू 10 प्लस 1 आपका 11 बाई 3, ये भी आ गया। यहां देखो y, y के लिए भी देखेंगे 2 इंटू 7 बाई 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 2 का 7 प्लस 4 11 बाई 3। सभी का कोऑर्डिनेट देखेंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या है, अब जरा यहां पे संभालने की बारी है। P इज हैविंग कोऑर्डिनेट 11 बाई 3 11 बाई 3। अगर आप देखेंगे Q इज हैविंग कोऑर्डिनेट 11 बाई 3 11 बाई 3 और R इज हैविंग कोऑर्डिनेट 11 बाई 3 11 बाई 3। व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम हियर, तो ऑल द स्टूडेंट्स खास सुने राइट, इट इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एक डेफिनेशन आ रही है, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रोइड। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, ओके नो, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, आई रिपीट राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनकी मीटिंग 5 मिनट में खत्म होने वाली है, तो आप लोग तैयार रहे, पर जब आपकी मीटिंग भी राइट 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, ऑल द स्टूडेंट्स खास याद रहे, अगर दूसरी आईडी बनानी पड़े ये वाले तो ग्रुप में देखते रहना, वैसे तो जनरली नहीं होगा बट हुआ तो आई एम टॉकिंग टू 2 to 6 एंड अदर बैचेस राइट। तो अगर आप देखेंगे व्हाट इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मींस व्हाट, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो पॉइंट ऑफ राइट कॉन्करेंस बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, तीनों मीडियन का 1 एडी बी और सी एफ। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, आपने ये वर्ड सुना था सेंट्रोइड, जिसका सिंबल जी होता है। चलो कुछ नहीं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला है, आप याद रखो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है या तो समरी में दिया हो तो देख लेना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, सेंट्रोइड का राइट एक्स और वाई का। तो आप देखो जरा ध्यान से, 4 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ, 4 प्लस 6 प्लस 1 11 बाई 3 आ गया। दूसरे का देखो 2 5 एंड 4 5 इंटू 7 एंड 4 11। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में या तो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, और इसकी फॉर्मूला है जी फॉर सेंट्रोइड, सिंबल है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू थ्री सॉरी
वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। ये वन मार्क क्वेश्चन में इवन दो इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक दे मे आस्क राइट। तो यहां पे आपका राइट एक क्वेश्चन खत्म हो गया। पीछे चेक करो इफ एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू एंड एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो फाइंड कर लिया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट राइट ऑफ दिस। तो सेंट्रोइड का अगर आप देखेंगे तो 4 प्लस 6 प्लस 1 बाय 3 एंड 2 प्लस 5 प्लस 4 बाय 3 दैट मींस 11 बाय 3 कॉमा 11 बाय 3 मतलब के P भी आपका सेंट्रोइड है, Q भी आपका सेंट्रोइड है और R भी आपका सेंट्रोइड है। इज दैट क्लियर। तो यहां से आपको पता चल गया कि सेंट्रोइड क्या है। इसका आगे का राइट जो एक थियरी है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है राइट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर का जो थियरी है राइट वो वापिस से मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। बट आई थिंक दैट कुड बी आफ्टर द मीटिंग। तो आप लोग ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखे। कल मैंने सर्कम सर्कल सर्कम सेंटर ये सब याद करवाया था तो वो भी आप करें बराबर। एंड जाओ यू कैन राइट आप लोगों को ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं उनके पेरेंट्स कुछ बोलते भी नहीं है एंड दे आर हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑफ स्टडी और आई थिंक इट इज अप टू देयर चॉइस। अब तो बहुत सारी स्कूलों में एजुकेशन ऑनलाइन बंद भी हो गया है राइट। अब जो ग्रांटेड स्कूल है वो चालू रहेगी, नॉन ग्रांटेड स्कूल में बंद रहेगा। तो नॉन ग्रांटेड स्कूल वाले घर पे बैठ के ऐस नहीं करे बराबर। They must watching video of maths chapter 5 and chapter 14. अगर ये आपकी टेस्ट by chance खुदा ना खास्ता अगर ये कैंसिल हुई तो मैं राइट टेस्ट पे टेस्ट लेना स्टार्ट करने वाला हूं तो बी रेडी फॉर दैट राइट। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 पीछे का बाकी है, एक क्वेश्चन 8 बाकी है राइट। तो आज हम लोग खत्म कर गए आपका ये सिलसिला खत्म करेंगे भाई। बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स करेंगे खास तो आपके ग्रुप वाले को राइट। खास देखना है आपको कि ये वापिस से मीटिंग स्टार्ट नहीं हो तो मुझे आईडी बनानी पड़ेगी इंस्टेंट आईडी राइट। मीटिंग इज ओवर। देखते हैं क्वेश्चन आपका ये फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 कैसे आई वो देख लेते हैं। चलो एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू और एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। इसका सेंट्रोइड जिसको जी बोलते हैं कैसे मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे लाए राइट उसका आप लोगों को बता देते हैं बराबर। अब यूजुअली अभी आपने देखा कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड।
तो आप या तो एडी लो या तो बीई लो या तो सीएफ लो, कोई भी एक सेगमेंट ले लो तो भी आपका सेम टू सेम आएगा, राइट। तो चेक करते हैं कि जी का कोऑर्डिनेट क्या आता है। पहले डी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, डी का मिड पॉइंट क्या है, तो के एच टू प्लस एच थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। स्टूडेंट्स मस्ट नोटिस, इधर ज्वाइंट हो रहा है, तो अब जो आने वाले हैं आ गए हैं x1 कॉमा y1, a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 और c के कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3 है। तो सेंट्रोइड g की फॉर्मूला कैसे आती है, आप इसके कोऑर्डिनेट लिखो तो x2 प्लस x3 मिड पॉइंट है by 2, y2 प्लस y3 by 2। इसका लेना है तो क्या होगा, x1 प्लस x3 by 2, इसका होगा y1 प्लस y3 by 2। और अगर f का लेना है तो x1 प्लस x2 by 2 और इसका लेना है y1 प्लस y2 by 2। मैं कोई भी एक ही करूंगा AD वाला A यहां पे G, A के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, D के कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 by 2 और y2 प्लस y3 by 2, और g के कोऑर्डिनेट हम लोग अगर फाइंड करने वाले हैं, रेशियो कितना रहेगा हमेशा 2:1। याद रहे रेशियो इज ऑलवेज 2:1, रेशियो इज ऑलवेज 2:1। अब फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। M1 कौन है तो के 2, X2 मतलब कि ये है X2 प्लस X3 by 2 प्लस 1 इंटू आपका ये कितना है X1 अपॉन 2 प्लस 1। अगर आप देखेंगे ये 2 2 कट और ये 1 X1 मतलब कि X1 ही हुआ, तो कितना हुआ X2 प्लस X3 प्लस X1 by 3। जो अगर मीटिंग के ब्रेक होने से पहले जो लोग की याददाश्त अच्छी है, क्या यही फॉर्मूला थी x का कोऑर्डिनेट, तो के यस सेम एज फॉर y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कौन है, 2 है, ये कौन है y2 प्लस y3 by 2 प्लस 1 इंटू y1, 1 इंटू y1 मतलब y1, 2 2 कट, y2 प्लस y3 प्लस y1 को कैसे लिखते हैं, तो कि y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। अगर आपको डिराइव करने के लिए पूछे छोटी सी फॉर्मूला कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 7 का 5 जो पीछे वाले पेज पे तुरंत स्टार्ट होता है। माइंड वेल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, एंड वन शुड रिमेंबर इट। आपको कोई भी ट्राइंगल दे दे, देखो मैं आपको लर्न करवा देता हूं, ये वन वन, ये टू टू, ये थ्री थ्री, ए बी और सी। यहां मिड पॉइंट में एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू होता है और यहां एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री होता है। वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स बाई टू नहीं थ्री, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस सिक्स सिक्स, सिक्स बाई थ्री टू। तो इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, टू कॉमा टू। आप ऐसे कोई भी राइट फाइंड कर सकते हैं। माइंड वेल, दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड नाउ वी आर इंचिंग टू आवर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक। हमने सभी इलास्ट्रेशन भी कर दिए हैं टेक्स्ट बुक के, ऑल द इलास्ट्रेशन, टेक्स्ट बुक के एक भी इलास्ट्रेशन छोड़े नहीं है, वो आप बीच बीच में देखते जाना। कल अभी एक दो कॉन्सेप्ट बाकी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा।
एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ए बी सी एंड डी रेक्टेंगल है, ए के कोऑर्डिनेट है -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट है -1, -4, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 4 और डी के कोऑर्डिनेट है 5, -1. पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर और एस, क्या है मिड पॉइंट है सभी के. इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस और जस्टिफाई योर आंसर द बेस्ट वन. ये जो बना क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रोम्बस है, क्या है? पहले तो सबके मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ पी तो -1 + -1/2 फॉर्मूला याद रहे इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूं. तो पी के कोऑर्डिनेट आए -2/2, -1 और 4 - 1 तो के 3/2. चलो पी के कोऑर्डिनेट में उठा लाया बराबर. क्यू के कोऑर्डिनेट -1 + 5/2 एंड 4 + 4/2 तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आया 4/2, 5 - 1, 4, 4/2, 2 एंड 4 + 4, 8/2 तो के 4. अब मैं आर के ढूंढने चला हूं 5 + 5/2 मिड पॉइंट की फॉर्मूला वो सेंट्रोइड की अलग थी एंड 4 - 1/2 दोज हु आर नॉट रेगुलर इनकी हालत मैं समझ सकता हूं मैथ्स में बहुत पतली होने वाली है. नीदर देयर पेरेंट्स सजेस्ट एनीथिंग नॉर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड. आई थिंक दे विल बी लाइक इन अ क्वाइट क्रंची सिचुएशन. 5 + 5, 10/2, 4 - 1, 3/2. चलो बचा एस. एस फॉर संकेत स्टडी सेंटर 5 - 1/2 एंड -1 + -1/2. 5 - 1 अगर आप लोग करेंगे तो 4/2 आपका आया 2 एंड -2/2 आया -1. तो चलो सभी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे पास राइट. अब हम लोग इसको ढूंढना है बराबर. तो पहले हम लोग कैसे इसको ढूंढेंगे तो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढेंगे बराबर. डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले साइड देखनी पड़ेगी ना. सभी देखोगे पी क्यू स्क्वायर -1 - 2 द होल स्क्वायर 3/2 - 4 द होल स्क्वायर. जरा ध्यान देना -3 का स्क्वायर 9 एलसीएम लेंगे 4 × 2 = 8 3 - 8 - 5/2 इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 - 8/2 -5 का स्क्वायर करो तो 25/4 9 × 4 = 36 36 + 25 = 61/4 तो आपका पी क्यू कितना आया √61/2 बराबर. दूसरा देखते हैं क्यू आर स्क्वायर. लंबा कैलकुलेशन देख के सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे मूव राइट लिटरली दे हो गॉन. क्यू आर स्क्वायर में देखो तो 2 - 5 / 4 - 3/2 ये -3 का स्क्वायर मतलब के 9 4 × 8 - 3 तो 9 का स्क्वायर 9 + 25/4 सेम एस एलसीएम लेंगे 36 + 25 = 61/4 मीन्स आपका क्यू आर कितना आया √61/2. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट क्यू आर के बाद आर एस स्क्वायर. आज कैसे कैसे लंबे लंबे सम है 3/2 + 1 द होल स्क्वायर -+ 3 का स्क्वायर 9
3 प्लस 2 5 बाई 2 तो सेम एस सब कुछ सेम आएगा 61 बाई 4 मतलब कि आपका आर एस भी आ गया रूट 61 बाई 2। आर एस के बाद ढूंढते हैं एस पी स्क्वायर, ये तो मेरा है संजय पुरोहित स्क्वायर। चलो एस क्या है तो भाई एस का ढूंढे है 2 माइनस माइ माइनस माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 3 9 माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस 5 बाई 2 द होल स्क्वायर रिमेन सेम 61 बाई 4। आपका एस पी बाला सुब्रमण्यम भी कितना आया रूट 61 बाई 2। चारों के चारों साइड सेम हो गई पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी मतलब यहां पे दो चांस है या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा डायगोनल का मिड पॉइंट या तो डायगोनल का डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करें। सेम आया तो स्क्वायर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे रोम्बस। तो चलो पी कौन है पी और आर पी आर ढूंढते हैं माइनस 1 माइनस 5 द होल स्क्वायर 3 माइनस 2 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर वेरी गुड माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0 पी आर स्क्वायर आया 36 पी आर आया 6। तो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने मिड पॉइंट क्यों नहीं लिया क्योंकि मिड पॉइंट के फॉर्मूला से दोनों ही आ जाते हैं स्क्वायर भी होता है रोम्बस भी होता है। अगर वो आंसर आ गया तो वापिस दो चांस रहा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड ही फाइंड कर लेते हैं अब क्यू ए स्क्वायर फाइंड करते हैं क्यू ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वेयर इज क्यू एन एस क्यू एस फाइंड करते हैं तो 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस 1 द होल स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 25 तो क्यू एस आपका हुआ 5। क्या दोनों सेम है तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 suggest that PQRS is parallelogram. कौन सा ग्राम parallelogram? Oh sorry, rhombus. I beg your pardon. कि parallelogram में तो उनकी opposite side सी होती है। फोन के चक्कर में गलती से मैंने पैरोग्राम बोल दिया। सो लुक एट दिस क्वेश्चन दोज हु वांट टू टेक अ स्नैप। मैं अभी आपको लगे हाथ एक और कॉन्सेप्ट बता दूं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट ऑर्थो सेंटर वाला जो कहीं पे नहीं मिलेगा। जस्ट वेट अ मिनट जस्ट वेट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में बता दूं। यहां पे ऑथेंटिकली टेक्स्ट बुक से मैंने दूसरे एक्स्ट्रा सम करवाए हुए हैं खत्म हो गया है। अब थोड़े अच्छे अच्छे सम्स के तो आपको पता है ना मैं वीडियो बनाता हूं पर वीडियो सर आप बनाया करो ना हमको क्या है वी आर नॉट गोइंग टू वॉच इट एट ऑल इवन दो नाउडेज फ्रॉम एसबीवी एलपीएस इनका तो राइट दरवाजा बंद हो गया है ऑनलाइन का दे आर गेटिंग इनफ ऑफ टाइम बहुत सारा टाइम मिलता है इवन देन स्टूडेंट्स रिलक्टेंट टू सी वीडियोस चॉइस इज देयर। चलो तो
राइट। मैं आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में बता रहा था, सर्कम रेडियस फाइंड करना है तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, कल देखा था। सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल में फाइंड करना है, ये सब आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में या तो टेक्स्ट बुक में। राइट एंगल ट्राइंगल तो इट इज हाइपोटेनियस बाय टू या तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, बराबर इन रेडियस का सर्कल में आएगा, इन रेडियस का सर्कल में आ जाएगा सर्कल चैप्टर में। अब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपने ऐसा देखा ही होगा राइट। ये अगर मान लो डी ई और एफ सेंट्रोइड नहीं है, परपेंडिकुलर होता है राइट, ऐसा तो यहां पे जो आया वो एच होता है और ऑर्थो सेंटर का सिंबल होता है एच, मतलब के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्राइंगल ए डी बी एंड सी एफ इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। अब जरा ध्यान से देखना, ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल में इनसाइड होता है, ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड होता है, जैसे कि आपका ये बाहर होता है तीनों के तीनों आउटसाइड, डायग्राम बराबर नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल का याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज मस्ट, ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ राइट एंगल। मेनी ऑफ देम दे डोंट वॉन्ट टू लर्न दिस, दैट्स वाई दे माइट हैव गॉन अवे, बट मैं आपको बता दू, से फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे ही आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3। तो व्हाट इज योर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2। दूसरा जस्ट अ मिनट, हेलो सब्जेक्ट सर, हेलो नाउ अगर मान लो यहां पे कुछ 4.1, 4.4 और 1.4 है तो क्या होगा इसका ऑर्थो सेंटर, व्हाट विल बी द ऑर्थो सेंटर, 4.4, 4.4 ऑर्थो सेंटर इन शॉर्ट। आपको आज ऑर्थो सेंटर सीखने को मिला जो आपकी टेक्स्ट बुक के बाहर है, सेंट्रोइड की फॉर्मूला जो डिराइव नहीं की है आपकी टेक्स्ट बुक में वो हमने की। सेंट्रोइड कोई भी ट्राइंगल हो, इन एनी ट्राइंगल
ऑलवेज इन साइड, ऐसा ट्रू एंड फॉल्स में पूछते हैं तो वापिस में ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, और इसका बता दूं कि सर्कम सेंटर एक्यूट हो, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का रूल सेम है, सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इनसाइड होता है, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल है तो इनसाइड होता है बराबर। फिर ऑब्ट्यूज एंगल है, सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज सर्कम और ऑर्थो, ऑब्ट्यूज है तो बाहर है दोनों एच और राइट उसका पी, पी सिंबल है सर्कम सेंटर का, और अगर राइट एंगल है, राइट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा कहां पे कोऑर्डिनेट पे होगा राइट राइट एंगल के कोऑर्डिनेट पे होगा, और यहां पे आपका जो सर्कम सेंटर है उसका मैंने आपको बताया राइट एंगल है तो इट इज हाइपोटेन्यूस बाय टू, बट सेंट्रोइड है कोई भी ट्राइंगल में इनसाइड ही रहेगा जी, इसका सिंबल जी, इसका सिंबल पी और इसका सिंबल एच, याद रखना। और फॉर्मूला कौन सी बताई सेंट्रोइड की, वेरी सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, इज दैट क्लियर। तो आपको राइट सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर और तीसरा सेंट्रोइड आज तीनों के कॉन्सेप्ट बता दिए बराबर। एक जो आने वाला है वो सर्कल लेसन में है, फिर भी वो भी बता दूं, इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या होता है ये देखो, ये आपका राइट इन सर्कल हुआ, मतलब के ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो तो इन सर्कल, इसका इन सेंटर भी होता है, इसकी भी फॉर्मूला है पर वो तो हम लोग राइडर से डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल माइनस हाइपोटेन्यूस बाय टू, अभी याद नहीं रहेगा, सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल माइनस हाइपोटेन्यूस बाय टू, ये सर्कम सॉरी इन रेडियस की फॉर्मूला है, बट दैट विल डिराइव वाया राइट थियरी कम राइडर बोलते हैं इसको। तो यहां पे आज हमने सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके कंप्लीट कर दिए राइट, कि सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम रेडियस क्या है राइट, सर्कम सर्कल क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको सभी को बता दिया होगा। तो आई रिपीट अगेन, देयर इज अ यूनिक पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ए ट्राइंगल, आई रिपीट देयर इज अ यूनिक पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द थ्री राइट इक्विडिस्टेंस या तो सर्कम रेडियस इज नोन एज सर्कम सेंटर। आपने राइट वो देखा था मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वो आपको आना चाहिए राइट। अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स इज नोन एज सर्कम सेंटर बराबर। व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो आपको तीनों सर्कम सर्कल क्या है, सर्कम रेडियस क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, वो सभी बता दिया राइट। तो होपफुली राइट यू हैव लर्न समथिंग न्यू टूडे, इफ नॉट राइट इफ यू आर नॉट एंजॉइंग नेवर माइंड, बट सम ऑफ देम must have enjoyed this. So thank you very much.